बिलासपुर जिला से संबंधित 18 से 40 आयु वर्ग के युवक और युवतियों को घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से 30 अप्रैल को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है। चेतना संस्था हिमाचल प्रदेश व सेल्फ एजुकेट ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रोजगार मेले में देश भर से 80 नामी कंपनियों के 150 HR भाग लेंगे और योग्यतानुसार उम्मीदवारों को रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं रोजगार मेले को लेकर मेला आयोजक और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने कहा कि रोजगार मेले को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें 80 कंपनियों के HR के बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाएगा। साथ ही गूगल सेफ एजुकेट स्कॉलरशिप के तहत ग्रेजुएट उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप कोड दिया जाएगा, जिसके चलते वे गूगल का कोर्स कर पाएंगे। वहीं हरीश नड्डा ने कहा कि काफी समय से वे बिलासपुर में रोजगार मेला आयोजित करना चाहते थे, मगर कोविड महामारी के चलते 2 सालों तक ये मेला आयोजित नहीं हो पाया था, मगर अब प्रदेश में हालात सामान्य होने के चलते ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 2400 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं हरीश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के मकसद से ये रोजगार पर्व आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 30 अप्रैल को प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर करेंगे, जबकि शाम 6 बजे समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग मौजूद रहेंगे। हरीश नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस रोजगार मेले के दौरान काफी संख्या में उम्मीदवारों को रोजगार मिलेगा और देश की नामी कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलेगा। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, वो मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भारत में रोजगार देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमने भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ बिलासपुर में करने की कोशिश करी है। 30 तारीख को बिलासपुर के कॉलेज ग्राउंड में रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 80 कंपनियां और 80 कंपनियों के HR इंटरव्यू लेने आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक 2500 जो 2500 है युवाओं का हो चुका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम गूगल सेफ एजुकेट स्कॉलरशिप भी युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी हम एक कोड देंगे, जिससे वो गूगल स्कॉलरशिप के थ्रू एक गूगल का कोर्स कर पाएंगे। 30 तारीख को 10 बजे इसका हमने ओपनिंग रखी है कॉलेज ग्राउंड में, जिसके लिए हमारे हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर जी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, वो इसकी ओपनिंग करेंगे। हमारा सदर विधायक सुभाष ठाकुर जी और अन्य बिलासपुर के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इसकी क्लोजिंग के लिए हमने आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी को आमंत्रित किया है, वो क्लोजिंग के लिए रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और शाम को जिन लोगों को रोज़गार मिले उनको हम रोज़गार लेटर उनको सौंप सकें और उनको जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनको वो स्कॉलरशिप सौंप सकें। ये वर्ग सिर्फ बिलासपुर के युवाओं के लिए है, तो अपना आधार कार्ड लेके ज़रूर आएँ और कम से कम 4 से 5 सेट अपने बायोडाटा CV के ज़रूर लेके आएँ और फॉर्मल ड्रेस में आएँ। और 9 बजे आपसे आग्रह है कि आप लोग कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहें। सर, आपने कहा था कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस बात को भी आपने कही थी बात, क्योंकि कई बंदे बोले सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2 साल कोविड नहीं आया होता तो हो सकता ये कार्यक्रम हम पहले करते, लेकिन इतनी संख्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम इस समय आया। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि इसको कोई चुनाव से जोड़े या चुनाव पास हैं इसलिए कार्यक्रम ना करूं और युवाओं को एक अवसर से वंचित रखूं, ये ठीक नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इलेक्शन जब आएगा तो पूरी जोर जान से हम पार्टी के लिए लगेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरा निजी तौर पर मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और ना हमारे पार्टी के विचार और संस्कार मुझे ये अनुमति देते हैं।